नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ब्लॉकबस्टर फिल्म खुदा गवाह के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन किया था मुकुल एस आनंद ने। दोस्तों, इस फिल्म में जिन कलाकारों ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं, उनमें थे अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, डैनी डेंगजोपा, नागार्जुन इत्यादि। दोस्तों, इस फिल्म में अभिनेत्री श्रीदेवी ने दोहरी भूमिका निभाई थी। एक में वह माँ बनी थी और दूसरे में बेटी का किरदार भी निभाया था। दोस्तों, इस खुदा गवाह फिल्म की ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी। जिस दौरान इस फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी, उन दोनों अफगानिस्तान में गृह युद्ध चल रहा था और उस समय वहाँ के राष्ट्रपति नजीबुल्ला हुआ करते थे। जब इस फिल्म की पूरी यूनिट अफगानिस्तान जा रही थी, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्ला को फ़ोन करके बोला था कि पूरी यूनिट की विशेष सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। तो इस तरह से इस पूरी यूनिट को नजीबुल्ला सरकार ने अपनी सुरक्षा की गारंटी दी थी। दोस्तों, कि जैसा कि अमिताभ बच्चन पहले से ही सुपरस्टार बन चुके थे और अफगानिस्तान में भी वह खासे लोकप्रिय थे और वहाँ हिंदी फिल्मों में अमिताभ की फिल्में भी देखी जाती थीं, और जब अमिताभ बच्चन की पूरी यूनिट अफगानिस्तान पहुंची, तो उन्हें होटल में नहीं रुकने दिया गया था और एक आदर और एक रेस्पेक्ट के लिए पहले से कुछ परिवार जहां रह रहे थे उस घर को खाली किया गया था और वह परिवार दूसरे घर में शिफ्ट कर गए थे और पूरी यूनिट उस घर में रुकी थी। और उस घर में प्रवेश से पहले अमिताभ बच्चन को गोद में उठाकर उस घर में लाया गया था, क्योंकि अफगानिस्तान में एक परंपरा है कि मेहमानों के पैर जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। इस वजह से उन्हें गोद में उठाकर घर में प्रवेश कराया गया था। और उस दौरान राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की बेटी ने अपने पिता से आग्रह किया था कि मुजाहिदीनों से एक दिन के लिए लड़ाई बंद करने को कही जाए, क्योंकि भारत से इतने बड़े स्टार अमिताभ बच्चन आए हुए हैं, ताकि अमिताभ बच्चन और पूरी यूनिट काबुल को घूम सकें। तो काबुल में जहाँ फिल्म की लोकेशन थी, जब उस लोकेशन पर जाती थी, तो यूनिट के आगे 5 टैंक और यूनिट के पीछे भी 5 टैंकों की कड़ी सुरक्षा रहती थी। और यहाँ तक कि राष्ट्रपति नजीबुल्लाह के अलावा विद्रोही गुट भी अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे, और अमिताभ बच्चन के क्रेज़ का आलम यह था कि विद्रोही गुटों ने भी यह आश्वासन दिया था कि यहाँ पे वह आराम से फिल्म करें, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, क्योंकि वह हमारे मेहमान हैं। दोस्तों, यह खुदा गवाह फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी और यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। यह फिल्म अफगानिस्तान में खासी पसंद की गई थी, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई थी तो लोग बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब यह फिल्म रिलीज हो और वो लोग देखें। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब यह फिल्म रिलीज हुई थी, तो जो दर्शक लोग फिल्म को देख रहे थे, तो अमिताभ बच्चन का जब डायलॉग आता है तो बहुत ही गर्मजोशी से वो लोग तालियाँ बजाते हैं। और यह खुदा गवाह फिल्म अफगानिस्तान में सबसे मशहूर हिंदी फिल्मों में एक रही थी। दोस्तों, इस फिल्म खुदा गवाह के कई गानों में यह 3 गाना ज़बरदस्त हिट रही थी। इनमें पहला गाना था तू मुझे कबूल, यह गाना बहुत ही लोकप्रिय रही। दूसरा गाना तू ना जा मेरे बादशाह, यह गाना भी बहुत ही पॉपुलर रहा। और एक तीसरा गाना कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़ को द्वारा गाया गया रब को याद करूँ, यह गाना भी ज़बरदस्त हिट रही थी। तो दोस्तों, यह था वीडियो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म खुदा गवाह के बारे में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस ब्लॉकबस्टर फिल्म खुदा गवाह से जुड़ी हुई जो भी जानकारी आप लोगों से साझा किया, आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।